दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस ऑफिशियल चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब में। और आज जो वैकेंसी निकल के आ रही है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से निकल के आ रही है। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, दो पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आती है। अब यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। एक तो SI स्टेनोग्राफर की निकल के आ रही है, एक हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकल के आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, सैलरी स्केल क्या है इसमें, ठीक है, सैलरी क्या रखी गई है, क्या एज लिमिट है, कौन कौन इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे एंड लास्ट डेट कब है। तो चलिए, इस वीडियो में आप बने रहिए लास्ट तक, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी। तो इस फॉर्म की जो भरने की जो डेट है एप्लीकेशन भरने की, वो 4 जनवरी 2023 से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। और इसकी जो लास्ट डेट है फिलअप करने की फॉर्म, वो 25 जनवरी 2023 है। ठीक है, इसमें आपको एडमिट कार्ड एंड जो टेंटेटिव डेट है वो बता दिया गया है, कब होगा आपका एग्ज़ाम। 15 फरवरी तक आपका जो है एडमिट कार्ड अवेल हो जाएगा एंड 22 से 28 फरवरी तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी मानी जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप ज़रूर इसके लिए एलिजिबल होता हूँ, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज रखी गई हैं आप देख सकते हैं, टोटल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर की 143 वैकेंसीज रखी गई है एंड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की 1315 वैकेंसीज रखी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ देख सकते हैं, ओपनिंग डेट 4 जनवरी 2023 है एंड क्लोजिंग डेट 25 जनवरी 2023 रखी गई है। ठीक है, कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की एंड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की। ठीक, आगे बात करते हैं, इसमें जो सैलरी स्केल रखी गई है आप देख सकते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो है पे लेवल 5 के अंडर में आती है, 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी मिलती है। एंड हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल की पे लेवल 4 के अंडर में आती है, 25,500 से 81,100 इसमें आपको पे किया जाता है। ठीक है, अब इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशंस की। तो जो कैंडिडेट्स है वो 10+2 पास आउट होना चाहिए। ठीक है, 10+2 पास आउट होना चाहिए तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ में 18 साल से 25 साल की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं, 18 से 25 एज लिमिट रखी गई है। ठीक है, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC चाहे ST, तो आपको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, 3 ईयर्स का SC में एंड 5 ईयर्स का ST में एज रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा इसका, आपका जो फरवरी में जो एग्ज़ाम होगा 22 से 28 फरवरी में, इसमें आपके 4 सेक्शंस होंगे। ठीक है, पहला तो हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक आपको करना है, 25-25 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से कोई एक आपको चुनना है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। एंड सेकेंड है आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जी सामान्य ज्ञान, जीके जनरल नॉलेज और रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। 25-25 सभी के क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे आपके। और जो टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट मिलेगा, 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग, यानी 4 क्वेश्चन गलत करने पे आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें बात कर लेते हैं, दोनों ही पोस्ट में आपकी एक स्किल मांगी गई है। इसका कोई सर्टिफिकेट्स आपको डिप्लोमा नहीं चाहिए, बट आपको ये आना चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपके जो है स्टेनो आनी चाहिए, साथ में आपकी 10 मिनट्स में 80 वर्ड पर मिनट की आपकी स्टेनो होनी चाहिए। और साथ में हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्टर के लिए स्पीड रखी गई है 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग में आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको आनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो प्लीज़ ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और ये फोर्स जॉब है तो इसमें आपका फिजिकल क्राइटेरिया भी रखा गया है। ठीक है, कैंडिडेट्स मेल मेल के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हाइट रखी गई है 165 सेंटीमीटर रखी गई है एंड जो चेस्ट है उनकी 77 एंड एक्सपेंड करके 82 होनी चाहिए। साथ में ये देख सकते हैं, हिल एरियाज से जो बिलोंग करते हैं इन एरियाज से, तो उनके लिए हाइट एंड चेस्ट का
तरीके से रखा गया है। साथ में जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके भी हाइट एंड चेस्ट में भी काफ़ी रिलैक्सेशन है, एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर रखी गई है एंड चेस्ट की कोई डिमांड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आप अपने नई वीडियो में।